आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम टेस्टिंग करने वाले हैं IQ 7 Legend की। इसका हम यहाँ पे कैमरा टेस्ट करेंगे और साथ ही इसको मैं कंपेयर करने वाला हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो OnePlus 9R, और कुछ इमेजेस को मैं आपको ASUS ROG 5 के साथ भी कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो पूरी वीडियो यहाँ पे कैसी होने वाली है आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे वीडियो शूट करता हूँ कैमरा टेस्टिंग वाली, उसमें मैं कोई भी यहाँ पे ट्राईपॉड और एक्सटर्नल माइक का इस्तेमाल नहीं करता, ताकि आपको एग्जैक्टली जो फुटेज निकल के आती है वो उसका पता चल सके और साथ ही आपको माइक के बारे में भी पता चल सके। और जो हम यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं ये हम शूट कर रहे हैं 1080 के ऊपर, जो कि यहाँ पे 60 फ्रेम्स के ऊपर यहाँ पे सेट की हुई है। तो इसके अलावा और भी यहाँ पे शॉट्स ले लेते हैं, तो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो मेरा नाम है लवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल PTG Unbox। अब जो ये वीडियो आप देख रहे हो इसको हम शूट कर रहे हैं Full HD के ऊपर, और जो फ्रेम ये लॉक किया हुआ है 60 FPS के ऊपर यहाँ पे लॉक्ड है। और यहाँ पे देख लीजिए कैसी यहाँ पे क्लैरिटी निकल के आ रही है। तो एक बार मैं आपको रनिंग शॉट भी दिखा देता हूँ कैसा आपको रनिंग शॉट मिलता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको रनिंग शॉट मिल जाता है। तो अब जो ये वीडियो देख रहे हो इसमें मैंने अल्ट्रा मोड को ऑन कर दिया है, जो अल्ट्रा स्टेबल मोड होता है। और ये फ्रेम जो वीडियो बन रही है ये 1080 के ऊपर बन रही है 60 FPS के ऊपर। तो आप इसका भी एक बार रनिंग शॉट देख लीजिए। अब जो ये वीडियो देख रहे हो इसको हम शूट कर रहे हैं 4K के ऊपर 60 FPS के ऊपर, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी OIS या फिर EIS का सपोर्ट नहीं है। आपको किसी भी तरह का यहाँ पे अल्ट्रा स्टेबल या फिर नॉर्मल स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगी। आप इसका यहाँ पे शॉट देख सकते हैं, एक बार आपको मैं रनिंग शॉट भी इसका दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे 4K में देखने को मिलेगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कैमरा थोड़ा सा यहाँ पे हिल रहा है। तो अब जो यहाँ पे वीडियो देख रहे हो इसको हम शूट कर रहे हैं यहाँ पे फ्रंट कैमरा से, और ये शूट हो रही है यहाँ पे 30 FPS के ऊपर 1080 के ऊपर। इसमें आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है 60 फ्रेम्स को ऑन करने का। और साथ ही मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि कितना एरिया कवर करता है ये मेरी यहाँ पे मैक्सिमम। यहाँ पे मैंने अपनी आर्म को यहाँ पे स्ट्रेच कर दिया है, इतना हिस्सा ये कवर करता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। फिलहाल देखने में जो मेरा टर्बन का जो एग्जैक्ट कलर है वो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे आप एक बार SDR भी देख लीजिए, मेरे फेस के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पे पड़ रही है। आप देखिए कैसा यहाँ पे कैप्चर कर रहा है, इसके ऊपर सारा कुछ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पे खुद ही जज कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे सेल्फी वाली वीडियो कैसी मिलने वाली है। तो ये सारी क्लैरिटी मैंने आपको दिखा दी है। अब यहाँ पे जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसका रीज़न ये है कि इसमें मेरे फेस के ऊपर डायरेक्टली सनलाइट पड़ रही है। तो आप यहाँ पे देखिए SDR कैसे यहाँ पे मैनेज करता है वीडियो में। और इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो पहले वाला कैमरा है वो है सोनी का IMX598 जो कि 48 MP कैमरा है, और बाकी दो कैमरा जो दिए गए हैं वो है यहाँ पे 13 MP के दो कैमरा, एक टेलीफोटो और एक अल्ट्रा वाइड। तो यहाँ पे बहुत अच्छे वाला कॉम्बिनेशन बनाया है यहाँ पे IQ ने, कोई वेस्ट वाला काम नहीं किया, ना ही कोई 2 MP कैमरा यूज़ किया है, ना ही कोई 5 MP का, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप दिया गया कैमरा का। तो कैमरा की क्वालिटी आप यहाँ पे खुद चेक कर लीजिए कैसी निकल के आएगी, तो आगे वाली फोटोज में आपको पता चल ही जाएगा। We'll be right back.
यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे एक इंडोर कंडीशन में यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल यहाँ पे ट्यूबलाइट चल रही है, आप एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिए, और भी कोई भी यहाँ पे लाइट नहीं है, तो सिर्फ एक लाइट में यहाँ पे वीडियो शूट हो रही है। आप यहाँ पे इसकी क्वालिटी चेक कर लीजिए, और साथ ही मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पे दिखा दिया है, सारी फोटोज यहाँ पे दिखा दी है। एक दिक्कत मुझे यहाँ पे जो आईको में देखने को मिली है वो ये है, इसमें यहाँ पे जो माइक है उसके जो साउंड वो जो कैप्चर करता है वो थोड़ा सा कम करता है। सेकेंडली यहाँ पे जो बहुत हार्श कंडीशन अगर आ जाती है, लाइक डायरेक्टली यहाँ पे सनलाइट पड़ता है, या अगर बात करें कुछ 3-4 बजे का टाइम होता है, तो तब क्या होता है कि जो फेस वाला एरिया होता है जहाँ पे मेरी बियर्ड है वहां पे वो थोड़ा सा व्हाइटनेस यहाँ पे ला के देता है आईको, पता नहीं वो क्यों करता है उसको। मे बी किसी सॉफ्टवेयर अपडेट से वो ठीक कर देंगे, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे क्वालिटी में और डिटेलिंग में यहाँ पे आईको ने बहुत अच्छा काम किया है। दूसरी बात यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि पूरी जो मेरी फोटो थी उसमें जो मेरी जीन का कलर था वो ब्लैक था, लेकिन आईको ने पूरा यहाँ पे जेड ब्लैक दिखाया है। वहीं OnePlus 9R इसको ब्लू दिखाया है, कुछ डार्क ब्लू, वो यहाँ पे चीज अच्छी नहीं है 9R की। आईको ने बहुत परफेक्ट वहां पे कलर दिखाया है। और आपने एक फोटो देखी होगी, वो एक सनलाइट मेरे बैक साइड के ऊपर था, बहुत हार्श कंडीशन थी उसमें, यहाँ पे इतना अच्छा काम किया है आईको ने। आईको ने पूरी फोटोज को बहुत यहाँ पे अच्छे से मैनेज किया है, वो स्पेशली जो फोटो थी वो सनलाइट वाली। इसके अलावा मैं अगर पोर्ट्रेट की बात करता हूँ तो यहाँ पे पोर्ट्रेट के मामले में आईको को टक्कर देना बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है, इतने अच्छे यहाँ पे पोर्ट्रेट निकल के आ रहे हैं, आपने देख ही लिया होगा। तो आपको बाकी फोटोज आपने देख ही ली है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको फोटोज कैसी लगी है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट होगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये कैमरा कंपेरिजन अच्छा लगता होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस और आने वाली हैं आने वाले हफ्ते में। तो जरूर यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।